बांग्लादेश के लोगों को डेफिनेटली नेगेटिव ख्याल है, अभी भी है उनको। सबसे पहले तो ये लगता है कि वो हमारे दुश्मन है। कि बांग्लादेश में बहुत खूबसूरत जगह है, जैसे कि ओल्ड ढाका भी विजिट कर सकते हैं। खाना लाहौर के जैसे मशहूर खाना है ना, हमारे ओल्ड ढाका में भी बहुत मज़े का खाना मिलता है, साइड में एक है। लेकिन बांग्लादेश में टी गार्डन, बहुत बड़ा टी गार्डन है, रंगामाटी है, कुछ हिल्स एरिया भी है। অনেক ধন্যবাদ আমাকে এত ভালোবাসা এত রেসপেক্ট দেওয়ার জন্য, আপনাদের জন্য অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা রইল। बांग्लादेश की लड़की पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर वो बता रही है कि नो डिफरेंस बिटवीन लाहौर एंड ढाका, ढाका और लाहौर एक जैसी हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। मजीद वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में बात करते हुए क्या बात करती हैं, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी, 1 2 3 गो। मेरी अम्मी अब्बू तो बहुत डरते थे कि ना जाओ, कहाँ जा रही हो, पता नहीं तुम्हें क्या कर देगा। जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छे लगने लगे और पाकिस्तान के लोग मुझे अच्छे लगे। तो लाहौरी खाना कैसा लगा? सीख कबाब, शामी कबाब, ये मुझे बहुत पसंद है। कुछ ओल्ड लाहौर की कुछ मिठाइयाँ है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या सिमिलैरिटीज देखती है? लाहौर और ढाका सेम है। जो आपकी लैंग्वेज है बांग्लादेश की, उसमें पाकिस्तान के लिए भी पैगाम दे दें। पाकिस्तानी दे अनेक धन्यवाद आपके एत भलोबाशा एत रिसपेक्ट देवर জন্য, আপনাদের জন্য অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা রইল। আপনারাও বাংলাদেশ ভিজিট করুন এবং বাংলাদেশে যত সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে ওগুলো ভিজিট করে পাকিস্তানিদের দেখান। व्यूअर्स, आज मैं आपको बांग्लादेश की पहली वीलॉगर और न्यूज एंकर से मिलवाने वाली हूँ जो पाकिस्तान आई, और पाकिस्तान की खूबसूरती ने इस कदर उन्हें मुतासिर किया कि उन्होंने पाकिस्तान में रहने की ही ठान ली है। निगार दिल नहार मेरे साथ है, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताएगा कैसे बांग्लादेश से पाकिस्तान आई है? बेसिकली मेरी फैमिली फ्रेंड्स है इधर पाकिस्तान में, तो फिर मैं उसी सिलसिले में आई थी फॉर 3 मंथ्स के वीज़ा फर्स्ट टाइम मुझे मिले थे। इसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छे लगने लगे और पाकिस्तान के लोग मुझे अच्छे लगे, तो फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की बेसिकली। इसके बाद मैंने इधर के बांग्ला जो न्यूज़ चैनल है उसके मैंने एज ए न्यूज़ एंकर भी ज्वाइन किया, और तब से मैं पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रही हूँ। और ये न्यूज़ वगैरह के काम तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने ट्रैवल एजेंसी के साथ भी काम करी हूँ। जो लोग बांग्लादेश से पाकिस्तान आना चाहते हैं तो फिर मैं उनके लिए भी काम कर रही हूँ। अच्छा, 3 मंथ्स के लिए आप आई थी बांग्लादेश से पाकिस्तान, और किन किन शहरों को आपने घूमा, क्या खूबसूरती आपको अच्छी लगी, लोग अच्छे लगे, जो आपने सोचा कि अब मैं पाकिस्तान रहूँगी? अब पहले तो मुझे पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कि हमें बस ये होता है कि बुक्स में हम पढ़ते हैं कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, हमें 3 सिटीज़ का पता है। हमें ना गिलगित बल्तिस्तान का पता है, ना हमें बलूचिस्तान का पता है, ना हमें कश्मीर का भी इतना अंदाज़ा था या नॉर्दर्न एरियाज़ का। जब मैं इधर आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो इस्लामाबाद विज़िट किया, इसके बाद मैंने लाहौर आई, तो डिफरेंट सिटीज़ का एक डिफरेंट चीज़ होता है। जैसे कि इस्लामाबाद बहुत पीसफुल सिटी है, इस्लामाबाद में बहुत खूबसूरती है, लाहौर में हो तो ये जिंदा दिल शहर है। तो इसमें ये है कि खाने का बहुत मज़े का खाना मिलता है लाहौर में। लाहौर में 2 साइट, एक न्यू लाहौर, ओल्ड लाहौर, तो दोनों का अलग एक होते हैं ना खूबसूरती है। और सबसे ज़्यादा ये है कि जब मैं आई हूँ पाकिस्तान, मुझे लोगों के बारे में थोड़ा डर था, तो लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया, इतना मुझे प्यार दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ ना, कि इतना रिस्पेक्ट मिल रहे हैं। और जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पता नहीं मैं इधर आऊँगी क्या होगा, तो मैंने ना जब देखा कि लोगों के दिल में बांग्लादेशी के लिए, बंगाली के लिए इतना प्यार है, तो मैंने सोचा कि चीज़ को मैं दिखाती हूँ लोगों को। फैमिली ने अलाउ कर दिया था? और क्या वहाँ के लोगों के ख्याल है पाकिस्तान को लेके, क्या मिसकंसेप्शन है? मेरे फैमिली का तो, मेरी अम्मी अब्बू तो बहुत डरते थे कि ना जाओ, कहाँ जा रही हो, पता नहीं तुम्हें क्या कर देगा। मैंने कहा नो, इट्स ओके, जाके देखती हूँ ना क्या होता है। लेकिन जब मैं आई तो अभी तो उन लोगों का ऐसे डर नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को डेफिनेटली नेगेटिव ख्याल है, अभी भी है उनको। सबसे पहले तो ये लगता है कि वो हमारे दुश्मन है, जैसे कि फर्स्ट इंसिडेंट लेके। दूसरा ये कि सेफ्टी के लिहाज से शायद इश्यूज हो, तो ये सारा चीज़ जो है ना, लोग इसलिए नहीं आते हैं इधर, लोगों के दिमाग में अभी भी है। लेकिन आप तो खैर वो बहुत कम हो गए, सोशल मीडिया से तो लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, लोग पाकिस्तान की खूबसूरत जगह देखते हैं, और मैं तो ब्लॉगिंग करके बांग्ला में ब्लॉगिंग करती हूँ, तो लोगों को पता चल रहा है कि पाकिस्तान कैसा है। तो आप तो हमारे बहुत ज़्यादा फेसबुक ग्रुप्स वगैरह भी है, तो इससे जो है ना लोगों को पता चल रहा है कि पाकिस्तान जा सकते, द सेफ कंट्री है, कोई इश्यूज़ नहीं है। 90% लोग तो अभी तक माइंड से क्लियर हो गए कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है। जब वी लॉगिंग स्टार्ट की आपने और अपनी लैंग्वेज में की, अपने लोगों से कनेक्ट करने के लिए की, कैसा रिस्पॉन्स था वहाँ पर?
फर्स्ट टाइम तो मैंने लाहौर से स्टार्ट किया था, मेरी एक वीडियोस मैंने बनाई थी लिबर्टी में, आई थिंक मैंने टाका से शॉपिंग किया था ये 2021 में। इतना ह्यूज रिस्पांस आया था उसमें, शायद मिलियंस के ऊपर व्यूज गए थे फर्स्ट टाइम। तो इसके बाद मैंने कहा कि ओ, लोग तो ये अच्छे से ले रहे हैं, बांग्लादेश से लोग इन्होंने बहुत इसको ना पॉजिटिवली इस चीज़ को देखा। मैंने मज़े से देखा कि मैंने टाका से शॉपिंग कर रही हूँ, लोग मुझे फ्री में चीज़ें दे रहे हैं। और इसके बाद मैंने ओल्ड लाहौर विज़िट किया तो मैंने फ्री में खाना खाई, लोग और ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि और लाहौर के लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे मतलब। इसके बाद में खाना मैंने 8-10 शॉप से खाई थी, मतलब 8-10 शॉप से खाई, लेकिन उन्होंने मुझे फ्री में दिया लाहौर ही खाना। कैसा लगा, क्या पसंद आया? लाहौर में मैं गए तो मुझे ताज चिकन बहुत पसंद है और बारबेक्यू जो भी है, सीख कबाब, शामी कबाब, ये मुझे बहुत पसंद है। कुछ ओल्ड लाहौर की कुछ मिठाइयाँ है तो वो भी मुझे पसंद है। अभी आप रह रही हैं पाकिस्तान में, कब तक रहने का इरादा है और पाकिस्तान में रहने का मकसद क्या है? बेसिकली मैं टूरिज्म को प्रमोट करती हूँ, नॉट ओनली पाकिस्तान टूरिज्म, बांग्लादेश टूरिज्म भी। मैं चाहती हूँ कि दोनों कंट्री के लोग जो है ना एक दूसरे को विजिट करें, एक दूसरे के बारे में जानें, जैसे कि दोनों के दरमियान एक अच्छा ताल्लुकात बने। बांग्लादेश में भी बहुत खूबसूरत जगह है, जैसे कि ऑक्सिस बजार है, सिलेट है, रंगामाटी है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो शायद पाकिस्तानियों को पता भी नहीं, जैसे हमें पाकिस्तान के बारे में पता नहीं। मैं चाहती हूँ देखिए कंट्री विजिट करें फिर जाके हमें पता चलेगा। मेरे इधर के रहने का यही इरादा है, पहले इस इरादे से नहीं आई थी। मुझे पाकिस्तान अच्छा लगा, मैं कहती हूँ लोगों को जो गलत कंसेप्शन है पाकिस्तान ऐसा है वैसा है, इस चीज़ को ख़त्म करना है, बांग्लादेशियों के दिल से ख़त्म करना है सबसे पहले। और बाकी मैं चाहती हूँ कि बांग्लादेश के ग्रुप्स आए, मुझे मेरे लिए ना पाकिस्तान के लिए इतना प्यार है ना, मतलब ये नहीं कि लोगों को लगता है पाकिस्तान के लिए प्यार है, ये नहीं कि पाकिस्तान की खूबसूरती ने मुझे पागल कर दिया। कौन सी जगह सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी और अब तक किन किन मुकाम की सैर कर चुकी हैं? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी, पहले मैं लाहौर से स्टार्ट किया, देन इस्लामाबाद गई मैं, फिर एबटाबाद, मरी साइड, कश्मीर और नारायणकागन, शोग्रान, सिरीपे, पेशावर। तो अभी मेरे नेक्स्ट तो बहुत जगह बाकी है। मैं तो नॉर्दर्न साइड के सोचे कि 70% 80% कवर कर लिया, कश्मीर भी कर लिया मैंने। तो मुझे सबसे ज़्यादा आपको बताया कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी सिरीपे मेडल से ना, वो जगह मैं भूल नहीं पाती। इसके बाद है कश्मीर, कश्मीर का तो अलग ही खूबसूरती है, लेकिन सिरीपे मेडल मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अभी कौन कौन सी जगह है पाकिस्तान की, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनको विजिट करना है और जिनको विजिट करके ही बांग्लादेश जाएंगी, या बांग्लादेश जाने का इरादा है? या है, बांग्लादेश जाना है मुझे, लेकिन मुझे पाकिस्तान विजिट करना है। शायद मैं जाऊँ तो फिर मैं वापस आऊँगी, आके ना बाकी जो जगह है ना वो मैं विजिट करूँगी। तो मेरे अभी नेक्स्ट आफ्टर ये जो प्लान है, मैं हुंजा स्कर्दू जा रही हूँ। बेसिकली मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि मैंने टूरिज्म के काम शुरू किया है, मेरी ट्रैवल एजेंसी भी है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बांग्लादेश से बहुत लोग आए और वो लोग घूमें पाकिस्तान। तो नेक्स्ट मंथ मैंने प्लान किया, शायद 15-20 का एक ग्रुप आए, फर्स्ट टाइम। ओके, मतलब ये फर्स्ट टाइम बांग्लादेश से इतना बड़ा ग्रुप आएगा, पाकिस्तान विजिट करेगा, वो गिलगित बल्तिस्तान है। अच्छा, बांग्लादेश में क्या करती थी पहले? यहाँ पर आगे आपने वीलॉगिंग भी स्टार्ट कर दी, टूरिज्म को भी प्रमोट कर रही हैं और बड़ा पॉजिटिव भी आपका एग्जाम है, लेकिन उससे पहले क्या करती हैं? बेसिकली मैं तो मेडिकल असिस्टेंट हूँ, मैं उधर एक फार्मास्यूटिकल में एज ए मेडिकल असिस्टेंट जॉब करती थी। तो इसके बाद तो मैंने डिफरेंट प्रोफेशन ज्वाइन किया, जैसे कि पाकिस्तान में आके मैंने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी ज्वाइन कर लिया था सबसे पहले। इसके बाद तो फिर मैंने न्यूज़ एंकर बनी और फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। आप तो मैंने टूर एजेंसी ओपन कर लिया। तो एजेंसी में कहाँ कहाँ से लोग कांटेक्ट कर रहे हैं आपकी वीडियोस देख के पाकिस्तान आने के लिए? बहुत मतलब मोस्टली बांग्लादेशी है मेरे वीडियोस। मैंने आपको बताया कि मैं बांग्ला में करती हूँ, तो मेरे टारगेट बांग्लादेश के लोग हैं। तो जो लोग बाहर भी रहते हैं, जैसे सऊदी में, दुबई में, कुवैत में, ये जगह पर ना उनको पाकिस्तानी मिलता है, तो उनको ना पाकिस्तान के बारे में थोड़ा पॉजिटिव एक पता चल गया। ये लोग होते हैं ना, दोस्ती हो गए पाकिस्तानियों से, और बांग्लादेश से लोगों को इतना खास नहीं पता, लेकिन वही मैं मेरे मेनली जो है ना बांग्लादेश से कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट से। अभी फ्यूचर की क्या प्लानिंग है कि फ्यूचर में कहाँ रहना है? ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कि मैं जिस लिहाज से पाकिस्तान रह रही हूँ, मुझे सारे ही कहते हैं कि ये पाकिस्तानी रह जाएगा। पाकिस्तान में रहने का इरादा यानी कि आपका 70-80% है? नहीं, ये मैं एक्सप्लोर करने के लिए रह सकती हूँ, बट ये कि शायद मैं एक परमानेंट लेना आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीज़ा लेना पड़ता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सारा चीज़, तो मुश्किल है। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या सिमिलैरिटीज देखती हैं? लाहौर में है ना हम अभी, तो आपको मैं ये कहूँगी लाहौर और ढाका सेम है, हमारी ओल्ड ढाका है, पुराना ढाका और न्यू ढाका भी है, तो सेम, मतलब ये जो आसपास मैं देख रही हूँ सेम आपको लगेगा ये ढाका है,
तो खाने के लिहाज से भी बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं, पहनने के लिहाज से ड्रेसिंग एंड अदर्स चीज़ का भी बहुत सिमिलर है, जैसे मिठाई वगैरह होती है सेम होता है। क्या मैसेज देंगी क्योंकि दोनों ममालिक में जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ दिमाग में इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो क्या पैगाम देंगी? मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, देखिए दूर से ना लोगों को बहुत सारी चीज़ बुरा लग सके। अब देखिए जब मैं आई हूँ मेरी ये जो भी मिसकंसेप्शन है, मेरे जो नेगेटिव थिंकिंग है वो ख़त्म हो गए, तो लोगों को आना चाहिए, इधर से जाना चाहिए, फिर लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान कैसा है, बांग्लादेश कैसा है। ऐसे दूर से बैठ के नहीं, वो लोग तो अच्छे नहीं है, उन्होंने हमारे साथ गलत किया। ओके, उस टाइम पर आप नहीं थे, 1971 में आप नहीं थे, मैं भी नहीं थी, वो गवर्नमेंट भी नहीं है। आप पाकिस्तान खूबसूरत है, लोगों का ये होता है क्यों पाकिस्तान रहती है, क्यों पाकिस्तान को खूबसूरत कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि ये सर अल्लाह ने बनाया है, खूबसूरत बनाया है, और आज पाकिस्तान बने हैं तो बांग्लादेश बने, पाकिस्तान नहीं बनता तो बांग्लादेश भी नहीं बनता। बांग्लादेश के खानों में और पाकिस्तान के खानों में सिमिलैरिटी है? कुछ साइड है, जैसे कि हमारे उधर जो पुलाव वगैरह होते हैं, बिरयानी भी आजकल तो पाकिस्तानी जो पता है ना यूट्यूब देख के लोग आजकल बनाते हैं, लेकिन पेशावर के साथ हमारे खाने का है सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कि पुलाव वगैरह बनते हैं तो बांग्लादेश में भी ऐसे पुलाव बनते हैं। लाहौर का मैं नहीं कह सकती, लाहौर का थोड़ा डिफरेंट है, लाइक चना तो हम भी बनाते हैं, ओके सेम है, निहारी वगैरह भी बनते हैं हमारे इधर भी बनते हैं, पाए बनते हैं, तो है सिमिलैरिटीज़ है। तो पाकिस्तान की क्या चीज़ें बांग्लादेश में फेमस है? ड्रेस बहुत फेमस है, लोगों को पाकिस्तान के ड्रेस बहुत पसंद है, ईद पे शायद लोगों को यही टारगेट होगा लड़कियों को कि हमें पाकिस्तानी ड्रेस लेना है। हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको कितना पसंद करते हैं, क्या रिस्पॉन्स? ओके, ये भी तो बहुत अच्छा है, आपको पता है इतने ग्रुप्स हैं आजकल तो लोग मतलब इतना पाकिस्तानी ड्रामा देखते हैं, लड़के भी देखते हैं, लड़के लड़की बहुत देखते हैं। लास्ट टाइम तेरे बिन ड्रामा बहुत ज़्यादा ये हुआ था ना, फेमस हुआ था, तो वो ड्रामा तो बांग्लादेश में इतना फेमस हुआ, बांग्लादेश के टीवी न्यूज़ चैनल पर भी उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट बनाया था, तेरे बिन के बारे में, सोच सकते हैं कितना फेमस हो गया पाकिस्तानी ड्रामा अभी बांग्लादेश में। ओ, बहुत बेहतरीन है ये तो, और हम उम्मीद करते हैं कि वो वाला जो ग्रुप है जो आपकी ट्रैवल एजेंसी से आ रहा है वो जल्द आएगा ताकि उसको भी हम इसी प्यार जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, फैमिली में से या जो दोस्त है बांग्लादेशी वो लोग भी कहते हैं कि पाकिस्तान बुलाओ हमें और विजिट कराओ? यार ऐसे भी हुआ है, रिसेंटली मैं इंटर्नशिप किया था तो एक भाई है वो जो है ना बहुत घूमते हैं, लेकिन वो सडनली कोई ग्रुप में मेरी कोई पोस्ट देखा जाएगी, तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं निकार हूँ। तो जी व्यूअर्स ये थी वीडियो, और आपने देखा कि पाकिस्तान आने के बाद पाकिस्तान में रहना रेफर किया, और बांग्लादेश के बारे में बात करते हुए यही बात की जा रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। लाहौर की बात करें तो लाहौर भी एक ओल्ड सिटी है, ढाका की बात करें तो ढाका भी एक ओल्ड सिटी है, जैसे ढाका ओल्ड सिटी है ढाका के अंदर न्यू ढाका भी है, इसी तरह पाकिस्तान के लाहौर के अंदर भी न्यू लाहौर भी है, ओल्ड लाहौर भी है, इसी तरह ढाका के अंदर ओल्ड ढाका भी है और न्यू ढाका भी है। तो बांग्लादेश के लोग अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान से लोग बांग्लादेश जाना चाहते हैं, तो ये रास्ते खुलने चाहिए, लोगों के दरमियान मोहब्बत बढ़नी चाहिए। आज भी देखें तो पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश जाना चाहते हैं और बांग्लादेश से लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं पाकिस्तान की खूबसूरती देखने के लिए। तो सीरियसली अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश जाना चाहते हैं बांग्लादेश की खूबसूरती देखने के लिए, बांग्लादेश को देखने के लिए, सुंदरबन को देखने के लिए, कोक्स बाज़ार को देखने के लिए, ढाका को देखने के लिए, तो इतनी रॉ ब्यूटी बांग्लादेश के अंदर है वो भी देखना चाहते हैं पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। पाकिस्तान के कश्मीर को देखना चाहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को देखना चाहते हैं, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया को देखना चाहते हैं, तो ये राहें खुलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, बहुत शुक्रिया।